जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी एन सिंह क्लासेस में। इस जो हमारा ये जो वीडियो है, इस पार्ट में हम लोग एंशेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्ली वैदिक पीरियड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग लेटर वैदिक पीरियड के जो क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, जो हमारा चैनल है बी एन सिंह क्लासेस, प्लीज़ इसे आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा वीडियो है उसे लाइक करें, ठीक है। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा हम लोगों को भी सहयोग चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबलीज कम्प्लीटली डिसअपियर ड्यूरिंग द लेटर वैदिक टाइम्स, सभा, समिति, विदत। और ऑप्शन है आपका ओनली वन, ओनली वन एंड टू, ओनली थ्री एंड डी वन टू एंड थ्री। आंसर है आपका ओनली थ्री। देखिए, जो विदत है ये अर्ली वैदिक पीरियड में बहुत ही महत्वपूर्ण सभा होती थी। इसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख मिला है, इसका 122 बार उल्लेख मिला है। जबकि और ये लेटर वैदिक पीरियड में ये सभा जो थी ये ख़त्म हो गई थी, यानी गायब हो गई थी। समिति की सभा की हम लोग बात करें तो आज के समय में जो हमारा राज्यसभा है उससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। और राज्यसभा का जो उल्लेख है वो 8 बार हुआ है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख 8 बार मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो देखिए, जो सभा थी जो अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग वैदिक काल में, महिलाओं की इसमें भागीदारी होती थी, महिलाएं इसमें भाग लेती थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में महिलाओं की जो भागीदारी थी वो ख़त्म कर दी गई, यानी कि जो भागीदारी थी वो बंद हो गई। समिति की बात करें तो समिति का हम लोग कंपेयर अगर करें तो आज के समय में जो हमारा लोकसभा है उससे हम लोग कर सकते हैं, लोअर हाउस, ठीक है। और लोकसभा इसका जो उल्लेख है, समिति का उल्लेख जो है हमारे ऋग्वेद में वो 9 बार हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो अगला क्वेश्चन है, द रोज ऑफ हार्ट्स वर डिस्कवर एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, अतरंजीखेरा, अहि क्षेत्र। देखिए, ऑप्शन है आपका ओनली वन, ओनली वन टू, ओनली टू एंड थ्री, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आंसर है आपका बी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हार्थ मतलब होता है चूल्हा, ठीक है, बड़ा चूल्हा या अंगीठी कह सकते हैं। तो ये जो डिस्कवर हुआ है ये हुआ है आपका वेस्टर्न यूपी में, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और ऐसा माना जाता है कि ये जो बड़ा जो चूल्हा था, ये जो हार्थ था, ये कम्युनल फीडिंग के लिए, जब कोई बहुत बड़ा एक सोशल गैदरिंग होती थी तो उस गैदरिंग के लिए अगर लोगों को खाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, या जो बड़ी फैमिली होती थी, जिसके जो बड़ी बड़ी परिवार जिसके पास होता था वो लोग इसको इसका इस्तेमाल करते थे। तो ये लेटर वैदिक पीरियड में इसके मतलब ये मिला है हम लोगों को वेस्टर्न यूपी में इसका डिस्कवर हुआ था, एग्जर्वेशन में ये वेस्टर्न यूपी से प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र अपीयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, जो गोत्र है वो आपका किस पीरियड में ये स्टार्ट हुआ, ऋग्वैदिक, लेटर वैदिक, मौर्य एज, सातवाहन पीरियड। आंसर है आपका लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। देखिए, जो गोत्र होता है इसका मूल मतलब होता है, मूल अर्थ होता है गोष्ठ, इसका मूल अर्थ होता है गोष्ठ, ठीक है। या इसे हम कह सकते हैं कि वह स्थान जहाँ समूचे कुल का जो गोधन पाला जाता था, गोधन मतलब समझ रहे हैं गाय पशु जो होते हैं वो एक साथ जब पाले जाते थे उसे ही गोत्र कहा गया, गोष्ठ कहा गया, ठीक है। लेकिन बाद में जो इसका अर्थ है वो समय के साथ बदलता गया, बाद में इसका अर्थ हो गया कि जब एक मूल पुरुष से जो उत्पन्न हुए लोग होते हैं उन्हें एक गोत्र का कहा जाता है, ठीक है। और एक गोत्र के अगर दो लोग होंगे तो उनकी शादी आपस में बैन कर दी गई थी, शादी नहीं कर सकती थी, यानी एक ही गोत्र का अगर कोई लड़का और लड़की है तो आपस में शादी उनकी नहीं हो सकती थी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज चंद्रयान। ऑप्शन है पेनेंस फॉर मेन मैरिंग वुमेन टू द सेम गोत्र, पेनेंस फॉर द मैरिंग वुमेन ऑफ द सेम रिलीजन, पेनेंस फॉर द मैरिंग वुमेन ऑफ द सेम जाति एंड पेनेंस फॉर मेन मैरिंग वुमेन ऑफ द सेम। आंसर है आपका ए। अगर कोई आदमी अपने ही गोत्र की औरत से अगर शादी कर लेता था तो उसे तपस्या या दंड के रूप में जो कार्य दिया जाता था उसे ही
चंद्रयान कहते थे, ठीक है। इसके पहले हमने बताया था कि उत्तर वैदिक पीरियड में गोत्र आ चुका था, और एक ही गोत्र के जो पुरुष और लड़की, महिला और जो आदि पुरुष हैं, वो आपस में शादी उनकी नहीं हो सकती थी। इसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया था, ये पूरी तरह से बैन था। आपस में शादी, एक ही गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द लेटर वैदिक कल्चर इज आल्सो कॉल्ड चालकोलिथिक, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, पेंटेड रेड, ब्रॉन्ज एज। आंसर है आपका बी, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है। इसे पी जी डब्ल्यू शॉर्टकट में इसे बोलते हैं, ठीक है। या यहाँ इसी के समय नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर भी प्राप्त हुए थे, ठीक है। पेंटेड ग्रे वेयर प्राप्त हुए थे और नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर भी प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे हम लोग जो है पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए इस समय अगर हम देखें तो लेटर वैदिक पीरियड में ये जो कल्चर था, इसमें एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था, लोहे का खोज हो चुका था, लोहा, इन लोगों को लोहे के बारे में इनको जानकारी थी। और लोहे की खोज अगर हम लोग देखें तो 1000 BC के आसपास इसका जो खोज हुआ था, सबसे अगर प्राचीनतम साक्ष्य की हम लोग बात करें तो एटा जिला जो है यूपी में, उस एटा जिला के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है, एटा जिला के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले प्लीज़ जो हमारा ये चैनल है बीएन सिंह क्लासेज, जिसे आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए हमारे वीडियो को और उसे शेयर करिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का जब तक हम लोगों को पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा, हम लोग और अच्छा नहीं कर सकते। हम लोग हर समय कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। संडे को हम लोग स्पेशल कोई एक पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को लेके हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे, जो आपको नॉलेज भी मिलेगा और आप लोगों को जान के सुन के अच्छा भी लगेगा। क्योंकि वो रिलेटेड, जैसे मान लीजिए आपका हो गया, जैसे बात कर सकते हो ऑपरेशन विजय है या ऑपरेशन आपका ब्लू स्टार है, ऐसे करके जो बहुत हमारे इंडिया में जो हमारे इंडियन आर्मी ने या जो भी जो अच्छे पराक्रम किए हैं, जो दिखाया है, उसके बारे में हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। तो ये आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा हमारे चैनल से, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, अयस रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड में जो अयस है वो किसके लिए कहा जाता था? इधर कॉपर और ब्रॉन्ज, इधर आयरन और स्टील, इधर टिन और आयरन, इधर गोल्ड और सिल्वर। देखिए ऑप्शन है आपका आयरन और स्टील। तो ऋग्वैदिक पीरियड में आयरन के बारे में तो उनको पता नहीं था, तो स्टील तो हो नहीं सकता, आयरन हो नहीं सकता। टिन और आयरन, तो आयरन तो उनको पता नहीं था, टिन भी नहीं पता था, और गोल्ड और सिल्वर के बारे में वो नहीं जानते थे। तो आंसर हो सकता है आपका ईदर कॉपर और ब्रॉन्ज, ठीक है। देखिए अयस्क जो था वो ऋग्वैदिक पीरियड में ब्रॉन्ज और कॉपर के लिए यूज किया जाता था, ब्रॉन्ज और कॉपर के लिए यूज किया जाता था अयस्क, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें तो 1000 BC के आसपास, 1000 BC के आसपास जो लोहा है उसका लोहा प्राप्त किया गया था, लोहे का खोज लगभग प्राचीनतम साक्ष्य जो है 1000 BC के आसपास मिलता है। तो यानी कि लेटर वैदिक पीरियड के लोग जो थे वो लोहे के बारे में जानते थे। तो लोहे को श्याम अयस्क, लोहे को श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क कहते थे, या कृष्ण अयस्क कहते थे, ठीक है। लोहा जो था वो उसको श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क कहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्ज एज द चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड यानी कि जो उत्तर वैदिक पीरियड था उसके समय में जो सबसे मेन इनका ऑक्यूपेशन के रूप में जो लाइवलीहुड था, मेन ऑक्यूपेशन था, वो क्या था? देखिए अर्ली वैदिक पीरियड में पता था कि इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो पशुपालन था, पशु पालते थे, उनको चराते थे और ये काम करते थे। अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड की हम लोग बात करें तो लेटर वैदिक पीरियड में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको लोग जो ऑक्यूपेशन हो गया, जिसपे इनका जीवन यापन था, वो था आपका एग्रीकल्चर। यानी कि पूरा का पूरा जो, क्योंकि अब ये पूरी तरह से सेटल हो चुके थे, और सेटल होने के बाद इन लोगों के लिए मुख्य जो इनका व्यवसाय हो गया था वो एग्रीकल्चर हो गया था, ठीक है। और ये हमको पता चलता है शतपथ ब्राह्मण से,
सतपथ ब्राह्मण से। ठीक है, कल वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो ब्राह्मण है वो आपका हर जितने भी वेद होते थे हर वेद को समझने के लिए ब्राह्मण लिखा जाता था, जो उसका पद्य भाग होता था, सॉरी गद्य भाग होता था। और सतपथ ब्राह्मण से हमें पता चलता है कि उस समय 6, 8, 12 और 24 बैल एक साथ हल में जोते जाते थे। ठीक है, तो हलों की संख्या इतनी थी और इतने बैल आपस में एक साथ जोते जाते थे, तो मतलब कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक बड़े लेवल पे हो रहा था, तो उनका मुख्य जो जीवन यापन था वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड फॉर द हेड ऑफ द हाउस होल्ड हु ओन द लैंड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। ऑप्शन है आपका गृहपति, गोधुमा, श्रेष्ठिन्स, नन ऑफ दीज। आंसर है आपका ए, गृहपति। देखिए कह रहा है कि लेटर वैदिक पीरियड में जो घर का हेड होता था या जिसके पास जिसके नाम से जमीन होती थी, जो जमीन का मालिक होता था, उसे क्या कहते थे? गृहपति। देखिए चाहे लेटर वैदिक पीरियड हो चाहे अर्ली वैदिक पीरियड हो, जो महिलाएं थीं उनको संपत्ति का अधिकार नहीं था, यानी कि लैंड वो ओन नहीं कर सकती थी, कोई भी जमीन उनके नाम से नहीं हो सकती थी। अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो जमीन होती थी, जो लैंड होता था, वो कम्युनिटी के नाम पे होता था, वो कम्युनिटी बेस पे होता था। ठीक है, ऋग वैदिक पीरियड में जो लैंड था वो कम्युनली ओन कर किया जाता था, एक समाज के ऊपर होता था। लेकिन बाद में चल के लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि ये जो लैंड है ये एक पर्टिकुलर एक किसी आदमी के नाम पे होने लगा। ठीक है, और वो उसकी एक प्रॉपर्टी बन गई। जब उसकी प्रॉपर्टी बन गई तो फिर वो घर का मतलब जमीन का मालिक हो गया और उसको गृहपति गृहपति कहा जाने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। ऑप्शन है लेंटिन्स, तिला, गोधुमा, नन ऑफ द एवव। तो देखिए कह रहा है कि मुख्य उनका भोजन क्या था, तो मुख्य भोजन देखिए लेंटिन्स मतलब है दाल। तो दाल में उस समय क्या था कि दाल में हम लोग को पता चलता है उड़द का जिक्र है, उड़द जिसे मांस कहते थे उस समय, मांस। ठीक है, मांस नहीं मांस, मांस। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मांस। और गोधुमा जो है ये गेहूं को कहा जाता था और चावल को व्रीही कहा जाता था, चावल को व्रीही कहा जाता था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इनका जो मुख्य भोजन था वो गेहूं और चावल दोनों था। तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन दिया है गोधुमा, तो ये आंसर हो सकता है, जबकि गेहूं और प्लस चावल राइस ये दोनों उनके स्टेपल फूड थे। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर नोन टू द लेटर वैदिक पीपल, टिन, लेड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। ऑप्शन है आपका 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3 एंड 4। आंसर है आपका डी, चारों, टिन, लेड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये चारों उनको पता था। इसके साथ साथ उनको आयरन के बारे में भी पता था, गोल्ड के बारे में भी उनको पता था। ठीक है, तो टिन, लेड, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ब्रॉन्ज एंड कॉपर, इन सब मेटल्स के बारे में उनको जानकारी थी। लेटर वैदिक पीरियड में लोगों को इन सब के बारे में पता था। तो यहाँ पे हम लोगों का ये जो सेशन है इस ख़त्म होता है, जो क्वेश्चन पीरियड है, जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ जो हमारा चैनल है उसे आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जो हमारा चैनल है बीएन सिंह क्लासेस, इसे आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।